एमकिंग स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैच नंबर 31 आईपीएल 2023 का 31वां मुकाबला गाइस एमआई वर्सेस पंजाब के बीच में जो होने वाला है 22 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में। तो गाइस मुंबई इंडियंस अपने दोनों पिछले मुकाबले जीत कर आ रही है और पंजाब किंग्स अपना पिछला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ 24 रन से हार के आ रही है। अब गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग ड्रीम इलेवन खेलते हैं, फैंटेसीज लीग खेलते हैं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको ड्रीम इलेवन जैसे स्मॉल लीग हो, ग्रैंड लीग हो, यहाँ आपको एक्चुअल टीम मिलेगी। और अब हमें टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कीजिए। मैच से आधा घंटा पहले टॉस के बाद में हम आपको वहां पे एग्जैक्ट टीम देते हैं गाइस। साथ में जो लोग मैच खेलते हैं, टॉस खेलते हैं, हमारे प्रेडिक्शन एक्यूरेट जा रहे गाइस, तो जो लोग मोटा पैसा कमाना चाहते हैं वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। साथ में जो लोग स्पोर्ट्स लवर है और जिन्हें डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए हर एक मैच का, वो है हमारे mkingsports.com वेबसाइट्स पे जाइए और हमारे ब्लॉग्स को पढ़िए। और डेली अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए। चलिए इस बार मैच की बात करते हैं गाइस, पॉइंट टेबल की बात करते हैं। अभी तक एमआई ने 3 मैच जीत के साथ में छठे स्थान पर है और पंजाब किंग्स सातवें स्थान पर। पंजाब क्यों है सातवें स्थान पर? क्योंकि उनके मेन की प्लेयर जैसे शिखर धवन हो गए, वो नहीं खेल रहे इस वजह से। अब हेड टू हेड बात करते हैं गाइस, दोनों के बीच में हमेशा कांटे की टक्कर वाला मैच रहा है गाइस। दोनों टीम के बीच में अभी तक 29 मैचों में से मुंबई ने 15 बार जीत दर्ज की है जबकि पंजाब ने 14 बार जीत दर्ज की है गाइस। साथ में अगर मैं एमआई की बात करूं प्रीव्यू की, तो मुंबई इंडियंस अपने घरेलू मैदान पर वापसी कर रही है। हाल ही में केकेआर को 186 रनों के लक्ष्य को पीछा करते हुए हराया था। ईशान किशन ने शानदार पारी खेली थी, कुछ 25 गेंदों में 58 रन की और एमआई को रन चेस करने में मदद की। दूसरी तरफ पीयूष चावला जो है, जो कि काफी सीनियर बॉलर है गाइस, उन्होंने लेग ब्रेक के साथ में एमआई बॉलिंग को बहुत एक अलग ही लेवल पे ले गए थे और ज्यादा विकेट्स लिए थे। तो आप ईशान किशन और पीयूष चावला और साथ में रोहित शर्मा को टीम में जरूर रखिएगा, ठीक है गाइस। टिम डेविड और कैमरॉन ग्रीन भी आपको टीम में रखने हैं। अभी इधर बात करते हैं गाइस, तिलक वर्मा भी आपको टीम में रखना है। पंजाब किंग्स की बात करें गाइस, तो कैप्टन शिखर धवन की गैर मौजूदगी में सैम करन लीड कर रहे हैं। हालांकि लखनऊ पर जीत दिलाई थी मगर आप देख रहे हैं कि कितनी कमी खल रही है शिखर धवन की। वो वापसी कर सकते हैं अगले मैच में गाइस, अगर वो करते हैं तो उन्हें आप जरूर टीम में रखिएगा और कैप्टन भी बनाइएगा। लियम लिविंगस्टोन जो है वो कोई T20 लीग नहीं खेलते उस लेवल पे जितनी वो आईपीएल खेलते, तो वो पिछले मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए मगर इस मैच में परफॉर्म करते दिखेंगे गाइस, क्योंकि ग्राउंड भी छोटा है और वो की प्लेयर बनके साबित होंगे। और रन चेज में वो पिछली बार बहुत जल्द आउट हो गए थे मगर इस बार आप उन्हें अपनी टीम में जरूर रखिएगा और अपने कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। साथ में सिकंदर रजा, दिजेश शर्मा, सैम करन, रबाड़ा और नेथन एलिस, ये की प्लेयर्स रहेंगे, इन्हें भी आप रख सकते हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये ग्राउंड और ग्राउंड के मुकाबले छोटा है गाइस, यहां पे तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है और स्पिन गेंदबाजों को भी दूसरी पारी में मदद मिलती है। तो आपको उस हिसाब से अपनी टीम बनानी है गाइस। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस के टॉप में दोनों टीमों के कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकते हैं क्योंकि यहां पर रनों का पीछा करना आसान होता है क्योंकि छोटा ग्राउंड है गाइस इसलिए। तो हमारी विनिंग प्रेडिक्शन ये है कि एमआई ये मैच जीत सकती, मगर आपको फाइनल रिपोर्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और ड्रीम इलेवन की भी फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए गाइस और जो लोग मैच खेलते हैं या ड्रीम इलेवन की स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग जीतते हैं, जीतना चाहते हैं, तो हमारा काम देख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान वाले मैच में देखिए गाइस, हमारी एक्चुअल टीम गई थी। कल वाले मैच में देखिए गाइस, एक्चुअल विनिंग प्रेडिक्शन बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।